हालात आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ चुनाव हो रहे हैं, दो राज्यों में चुनाव होने थे, एक जगह की एक स्टेट की डेट्स अनाउंस हुई, दूसरी की संभावित है, लेकिन इस सरकार ने सब कुछ हर गरिमा को ताक पे रख कर गुजरात में आप देख रहे हैं हर रोज़ कैसे कहीं उद्घाटन कहीं कुछ, ये लोगों को बरगलाने का सिलसिला जारी है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, उस ओर कोई ध्यान नहीं। हर चुनाव में ये लोगों का ध्यान बांटने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही सौगात देशवासियों को बार बार मिलती रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये सरकार केवल झूठे सपने दिखाने के और कुछ लोगों के भलाई के कोई कार्य नहीं कर रही। ऐसे समय में इन सभी बातों को देखते हुए लोगों को असली बात उनकी सुनने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए केवल एक नेता हैं, राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा अपनी लगातार कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक जाने का रास्ता तय किया हुआ है। लोगों से मिलना, लोगों के बीच में जाना, सही मुद्दों को उठाना, लोगों की बातें सुनना, आज के दिन जो ज़रूरत है कि लोगों की बात सुनो, उनके दुख को दर्द को समझो। भारतीय जनता पार्टी लोगों से दूर जा चुकी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। साल ये पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है। असली बात ये है कि आखिर में जाकर किसान को दोषी ठहरा देते हैं। हल निकालने की बात होती है, हल निकालते नहीं, और सबसे ज़्यादा राजनीति इस पर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और आप पार्टी। अभी भी आप देख रहे हैं पहले आप पार्टी क्या कहती थी और अब क्या कह रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, पोल्यूशन पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर और बहुत से जगह, पूरा हमारा एरिया आप देखते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इससे हर एक को, चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है या कोई भी, बहुत दिक्कत आती है। आगे स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको एक जो पूरे ढंग से देखना चाहिए उसे कोई भी ये सरकार देख नहीं रही है, बल्कि इस पर केवल राजनीति, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात और असली मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटने की बात की जा रही है। आप देख ही रहे हो कि अगर इस लेवल पे आ गए हैं, लोगों की भी बात कर लो ना, जो लोगों की बात है उस पर आओ, असली मुद्दे जो हैं उन पर आओ। इन चीज़ों से कुछ बनेगा देश का? जो कटाक्ष कर रही है ना बीजेपी, देखो बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं, कटाक्ष ही कर सकते हैं। कुछ काम करके दिखाया है क्या बीजेपी ने? उनके नेता कभी ज़मीन पर उतरे हैं क्या? बड़े से बड़ी त्रासदी हो जाती हैं, लेकिन आपने देखा अभी गुजरात में भी जिस तरह से हुआ, उसको भी ढकने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। असलियत को पहचाने, असलियत यही है कि लोगों के बीच में जाने का कोई विकल्प नहीं है, और वो केवल कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव में सरकार ने पूरी तरह से, हर तरह से दुरुपयोग करना, सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीति है, उनके खिलाफ जनता वोट देगी। वैसे भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ नीचे ज़मीन पर लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। तरह तरह के मुद्दे हैं, चाहे गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, आम नागरिक है, कोई भी
चाहे गृहिणी हैं, आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही और महंगाई इसके विपरीत आसमान को छू रही है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इस सरकार को न केवल बाई इलेक्शन के माध्यम से, लेकिन वैसे भी हरियाणा की जनता आईना दिखाए। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।